एलिमेंट में टेस्ट लैम्प से इनको चेक करना है कि यहाँ पर आपका फेस न्यूट्रल आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले जो आपकी पावर कट आई हुई है उसको आप चेक करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं, आपके घर में जो गीजर होते हैं दोस्तों उसमें दो थर्मोस्टेट लगे रहते हैं आपके। एक होता है आपका जो ओवरहीट होने पर जो आपका ये टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट काम नहीं करता है, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये गीजर को ट्रिप कर देता है, जिसके बाद आपको इसको पुश करना होता है और गीजर दोबारा ऑन हो जाता है। और दूसरा भी होता है दोस्तों आपका ये, जिसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं, 50, 60, 70 जो भी हमको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है वो हम इससे करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा है लास्ट जो टेम्परेचर है वो है 75 डिग्री तक। तो दोस्तों ये जो दो थर्मोस्टेट हैं इसमें अंतर क्या है, इनके अंदर ऐसा क्या है दोनों के अंदर, तो दोनों को खोलेंगे हम, चेक करेंगे कि ये आपका रिसेट क्यों करता है और जब ये खराब जाता है तो ये कैसे काम करता है। तो पूरी वीडियो में बने रहें, पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, ये हमारा वो है टेम्परेचर जिससे हम सेट करते हैं। ये हमने खोला दोस्तों, ये अंदर से कुछ इस तरीके से है, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारी नोब है जिससे हम टेम्परेचर सेट करते हैं। दोस्तों इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा जब हमारा ओवरहीट हो जाता है पानी, जब हमारा ये थर्मोस्टेट काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से ये थर्मोस्टेट हमारा लाइन को ट्रिप करता है, जिसकी वजह से हमारा एलिमेंट जो है जलने से बच जाता है। तो ये दोनों का हम मैकेनिज्म चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये है हमारा जिसपे हम अपने गीजर को रिसेट करते हैं। ठीक है, ये जो नोब होती है इस नोब को हम दबाते हैं तो हमारा गीजर रिसेट होता है। और ये नोब हम क्यों कब दबाते हैं दोस्तों, इसका दिखाता हूँ आपको मैं। अभी ये देखिए, जैसे हमारे ये दो कनेक्शन मिले हुए हैं ना, तो अभी हमारा गीजर ऑन है। जब हमारा ये गीजर काम, ये थर्मोस्टेट काम नहीं करता टेम्परेचर वाला, जब ये काम नहीं करता दोस्तों तो क्या होता है, तो हमारा गीजर जो होता है ये नीचे, ये पत्ती आपकी नीचे चली जाती है। ठीक है, जब ओवरहीट होता है तो ये पत्ती आपकी नीचे चली जाती है, उसके बाद से आपका गीजर तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक आप इस स्विच को दबाते नहीं हैं। और ये इस स्विच से हमारा कौन सा हिस्सा दबता है दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये देखिए, जो ये देखिए, ये जो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का ये जो ये तार का टुकड़ा लगा रखा है, इसको जगह जब हम इससे पुश करेंगे, इसको पुश करेंगे तो यहाँ ये दबता है। जैसे हम इसको दबाते हैं ये देखिए, जैसे को दबाते हैं हम, ये पत्ती ऊपर आ जाती है। अभी देखिए ये अलग हो गया है, ये ऊपर आके मिल जाता है। ठीक है, और ये हमारा अलग हो जाता है। उसके बाद से आप इसको आप दबाते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसको आप दबाते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए इसका मैकेनिज्म ये है दोस्तों, अगर इसमें कभी प्रॉब्लम आती है ना तो आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये सेटिंग है, ये नीचे हो गया आपका, ये आपका ओवरहीट हुआ, इसने पत्ती हटा दी, यहाँ से बंद हो गया। और जैसी आपका आपने स्विच ऑन किया, इसको दबाया आपने, ये ऊपर आ गया, तो इस वजह से आपका गीजर दोबारा रिसेट हो गया। अब दोस्तों होता क्या है, आपकी समझ में नहीं आता है, मेरे पास जब कितने कमेंट आए थे कि सर हमारा लाल बत्ती भी नहीं जल रही है, हरी बत्ती भी नहीं जल रही है, गीजर गर्म पानी भी नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है ना, आपने पहले अपने गीजर के कनेक्शन चेक करने हैं कि आपका जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट में टेस्ट लैम्प से इनको चेक करना है कि यहाँ पर आपका फेस न्यूट्रल आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले जो आपकी पावर कट आई हुई है उसको आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उससे ऐसा दोस्तों हमारा दूसरा जो होता है, देखिए ये है टेम्परेचर वाला, और टेम्परेचर का इसको कैसे रिपेयर करते हैं अगर आप ख़राब हो गया तो, दोस्तों इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा टेम्परेचर वाला। ठीक है, अभी ये दो पत्तियाँ मिली हुई है तो आपका गीजर ऑन है, जैसे ही आपका पानी गर्म होता है तो उसी बात से ये पत्ती अलग हो जाती है जैसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, अभी हमने ये गीजर, अभी हम जैसे ना इसको हमने सेट कर लिया ऐसे करके। ठीक है, ये आपका सेट कहाँ तक तो होगा इसको बताता हूँ मैं, ये छोड़ा है ना तो ये यहाँ तक सेट होगा दोस्तों।
ठीक है, और जैसे आपका गर्म पानी होगा ये पत्ती हट जाएगी, उसके वजह से ऑटोमेटिक जैसे आपका पानी ठंडा होगा ये सेंस करेगा और ये पत्ती फिर मिल जाएगी। तो ये दो आपका जो दो के दो थर्मस्टेट, ये थर्मस्टेट लगे हैं, इनका काम ये है, और दोनों को रिपेयर करना भी बड़ा आसान है दोस्तों। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको आप देख लीजिए एक बार, इसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं। और जैसे कि कई लोग के मेरे पास, जैसे आपका दोस्तों आप कई लोग के आपके कमेंट आ रहे थे कि जो बजाज मेजेस्टिक गीजर है उसमें क्या हो रहा है, बार बार आपको इसको दबाना पड़ रहा है, ठीक है, आपको इसको पुश करना पड़ रहा है, कि जब इसको हम पुश कर रहे हैं तो आपका गीजर चल जा रहा है, और जब आप हटा रहे हैं, जब एक बार पानी गर्म हो जा रहा है उसके बाद दोबारा फिर गीजर आपका रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपका इन दोनों में से कौन सा थर्मोस्टेट ख़राब है। अगर बार बार आपको इसे पुश करके चलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है आपका ये थर्मोस्टेट ख़राब है, ये ख़राब नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, ये आपको एलिमेंट को जलने से बचा रहा है, ओवरहीट होने से बचा रहा है, ये यहाँ से लाइन कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप टेम्परेचर जो आपका सेट करने वाला आपका जो थर्मोस्टेट है इसको आप चेंज कर दीजिए, और चेंज अगर आप नहीं करना चाहते, इसमें कोई दिक्कत वाली दिक्कत भी ज़्यादा नहीं आती, इसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।